दोस्तों, मणिपुर से आए वीडियो ने देश को ही नहीं बल्कि दुनिया को हिला करके रख दिया है। और जब मणिपुर पर कार्रवाई सख्त तरीके से होनी चाहिए थी, तो देश के प्रधानमंत्री मीडिया के सामने आते हैं और 3 महीने बाद मणिपुर शब्द का इस्तेमाल करते हैं। और उससे पहले देश के प्रधानमंत्री अमेरिका, फ्रांस, मिस्र और यूएई का दौरा करके आते हैं, पर उस दौरान मणिपुर का ख्याल भी उन्हें नहीं आता। और जब सोशल मीडिया पर पूरी दुनिया में धज्जियां उड़ गई मणिपुर के मामले पर, तो देश के प्रधानमंत्री गुस्से में लाल हो जाते हैं। और गुस्से में इस कदर लाल होते हैं कि मीडिया के सामने बयान देते हैं कि आज जो घटना घटित हुई उससे उनका दिल बैठ गया है, दर्द पीड़ा से भर चुका है। और किस तरीके का दर्द भरा देश के प्रधानमंत्री के दिल में, वो तो देश की जनता ने देख ही लिया, जहां मणिपुर का मां भी देश के प्रधानमंत्री ने नहीं बोला और ना ही मणिपुर में अपने भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री से इस्तीफे की मांग की। अगर थोड़ी भी शर्म देश के प्रधानमंत्री की आंखों में होती तो तुरंत वहां पर अब तक राष्ट्रपति शासन लागू हो जाना चाहिए था। लोगों के घर जल रहे हैं, महिलाओं को नग्न कर घुमाया जा रहा है, पर देश के प्रधानमंत्री इस पर खामोश हैं। और देश के प्रधानमंत्री के बयान के बाद जब कार्रवाई होती है, तो देश का मीडिया ये कहता है कि पीएम मोदी के बयान का हुआ असर, बड़ी कार्रवाई, मुख्य आरोपी गिरफ्तार। पर अफसोस, भले ही देश के प्रधानमंत्री मणिपुर के मामले पर राजनीति करने और भले ही हमारा खुद ही मीडिया पूरी तरीके से इस पर दोगलाई कर ले, पर इंटरनेशनल मीडिया देश के प्रधानमंत्री की जमकर धज्जियां उड़ा रहा है। जहां कतर हो, अमेरिका हो, ब्रिटेन, ये वो देश जिनको देश के प्रधानमंत्री अपना खास मित्र बताते हैं और दुनिया भर में डंका बजवाते हैं, आज वही देश मणिपुर के मामले पर पूरी तरीके से लंका लगा रहे हैं। और क्या कहता है वो देश का मीडिया, एक बार इस रिपोर्ट पर नजर डालते हैं। दोस्तों, 4 मई को मणिपुर में कुकी महिलाओं को निर्वस्त्र कर परेड करवाई गई। इसका वीडियो वायरल हुआ तो देश विदेश में भी सब सन्न है। एक खबर ने अलग अलग पहलुओं को पढ़ा। इस खबर में हम आपको ये बताएंगे कि विदेशी मीडिया में इस जघन्य घटना पर क्या क्या छापा है। द गार्जियन, ब्रिटेन गार्जियन ने सुर्खी लगाई, मोदी स्पीक आउट आफ्टर वीडियो ऑफ सेक्सुअल असॉल्ट ऑन वुमेन इन मणिपुर। मणिपुर में महिलाओं के यौन उत्पीड़न का वीडियो सामने आने के बाद मोदी ने तोड़ी चुप्पी। अखबार लिखता है, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मणिपुर में चल रहे संघर्ष पर अपनी महीनों की चुप्पी तोड़ी है। मोदी ने चुप्पी उस वक्त तोड़ी जब मणिपुर में महिलाओं को नग्न करके उनसे परेड करवाने और उनके साथ सामूहिक बलात्कार से जुड़ा वीडियो वायरल हुआ। ये महिलाएं मणिपुर की अल्पसंख्यक कुकी जनजाति की थी और उनसे ये काम करवाने वाली भीड़ के लोग मैतेई समूह थे। संसद सत्र की शुरुआत से पहले मोदी ने कहा कि इस घटना से पूरा देश शर्मिंदा हुआ है, किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। द न्यूयॉर्क टाइम्स, अमेरिका का न्यूयॉर्क टाइम्स ने सुर्खी चलाई, वीडियो ऑफ सेक्सुअल असॉल्ट गोज वायरल इन इंडिया, अटेंशन ऑन इथिक कॉन्फ्लिक्ट। भारत में यौन उत्पीड़न के वायरल वीडियो में जनजातीय संघर्ष पर फिर ध्यान खींच लिया है। गार्जियन की तरह टाइम्स ने भी अपने लेख में इस बात पर जोर दिया कि पीएम मोदी ने वीडियो वायरल होने के बाद अपनी चुप्पी तोड़ी है। अखबार लिखता है, इस वीडियो के सामने आने के बाद 2 महीने का समय लग गया क्योंकि सरकार ने हिंसा रोकने के लिए वहां इंटरनेट बंद किया हुआ था। वीडियो सामने आने के बाद पीएम मोदी को राज्य के हालत के बारे में पहली सार्वजनिक टिप्पणी करनी पड़ी है। अखबार ने यह भी लिखा कि पीएम ने सीधे तौर पर राज्य में हुई हिंसा को संबोधित नहीं किया और ना ही तनाव कम करने के लिए कोई समाधान पेश किया। अखबार ने इस बात का भी जिक्र किया कि जब पीएम मोदी
फ्रांस के दौरे पर गए थे तो यूरोपियन संसद ने इस हिंसा को लेकर इस प्रस्ताव लाया था जिसमें इस हिंसा के लिए हिंदू बहुसंख्यकवाद को बढ़ावा देने वाली विभाजनकारी नीतियों को जिम्मेदार ठहरा दिया था। बीबीसी ब्रिटेन लिखता है कि मणिपुर इंडिया वीडियो शोज हाउ रेप इज वेपन्ड। मणिपुर वीडियो में सामने आया कैसे संघर्ष में बलात्कार को हथियार बनाया गया। बीबीसी लिखता है कि भारत के मणिपुर से एक भयानक वीडियो सामने आया जिसमें भीड़ तो नग्न महिलाओं को परेड करवा रही है और उनका यौन शोषण कर रही है। इससे ये पता चलता है कि अक्सर ऐसे संघर्ष में सबसे ज्यादा कीमत कौन चुकाता है। ऊपर से प्रशासन की उदासीनता मामले को और बदतर बनाती है। अल जजीरा कतर के स्टेट मीडिया अल जजीरा ने लिखा, आउटरेज इंडिया ओवर वीडियो ऑफ मणिपुर वुमेन परेड निक रेप्ड। मणिपुर की महिलाओं को नगन घुमाने और बलात्कार के वीडियो पर भारत में आक्रोश है। अल जजीरा लिखता है कि यह वीडियो 3 मई का है, 2 महीने पुराना, लेकिन मणिपुर में इंटरनेट बैन की वजह से ये बाहर नहीं आ पाया था। इस बात की आलोचना भारत के मानवाधिकार कार्यकर्ता कर रहे हैं। मणिपुर हिंसा पर भारत के पीएम नरेंद्र मोदी ने अपनी 2 महीने की चुप्पी तोड़ी है। उन्होंने कहा कि इस घटना ने उनका मन बैठ गया है और वो नाराज है। वॉशिंगटन पोस्ट लिखता है, अमेरिका अखबार वॉशिंगटन पोस्ट ने भी पीएम मोदी की चुप्पी तोड़ने वाली बात को प्रमुखता से लिखा। अखबार ने यह भी लिखा कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने मामले पर चिंता व्यक्त की है और सरकार से हिंसा को रोकने के लिए उठाए गए कदमों के बारे में भी पूछा है। अखबार ने सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ का बयान भी छापा है जिसमें उन्होंने कहा था कि एक संवैधानिक लोकतंत्र में यह अस्वीकार्य है, अगर सरकार कार्रवाई नहीं करती है तो हम कार्रवाई करेंगे। इससे पहले 12 जुलाई को अखबार ने ब्लूमबर्ग के ओपिनियन एडिटर रूथ पोलार्ड ने लिखा था, इंडिया नॉर्थ ईस्ट इज ऑन द ब्रिंक वेयर इज मोदी। भारत के पूर्वोत्तर राज्य तबाही के कगार पर है, मोदी कहां है। पोलार्ड ने आगे लिखा था कि हथियारों से लैस गिरोहों के द्वारा गांवों में सिर काटने की कई रिपोर्ट्स आई हैं। ये आशंका भी जताई जा रही है कि तनाव का दायरा पड़ोसी राज्यों मिजोरम असम नागालैंड और मिजोरम तक फैल सकता है जहां मिलिट्री हुंटा पहले से ही आम नागरिकों पर बम बरसा रही है। इसके अलावा चीन के साथ लगे बॉर्डर पर पहले से तनाव है जहां से भारत की 57वीं माउंटेन डिवीजन को मणिपुर की स्थिति को काबू करने में लगाया गया है। इन सब के बावजूद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ना तो मणिपुर गए हैं और ना ही कोई बयान दिया। मई में हिंसा की शुरुआत होने के बाद से मोदी जापान ऑस्ट्रेलिया पापुआ न्यू गिनी अमेरिका इजिप्ट और फ्रांस और यूएई का दौरा कर चुके हैं, राज्यों में शिलान्यास कार्यक्रमों में हिस्सा लिया, कई ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई और मध्य प्रदेश में नेशनल सिकल सेल एनीमिया एलिमिनेशन मिशन को भी लॉन्च किया। हिंसाग्रस्त मणिपुर में उनकी हिंदू राष्ट्रवादी जनता पार्टी सरकार है, उन्होंने उस हिंसा पर कुछ भी नहीं बोला, ना ही स्थानीय गुटों से मिलने गए, ना ही तनाव कम करने की कोई कोशिश की है। ये विदेशी मीडिया खुल करके देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ लिख रहा है और वो ये कह रहा है कि बीते 3 महीने बाद देश के प्रधानमंत्री को आखिरकार इस पर चुप्पी क्यों तोड़नी पड़ी। देश के प्रधानमंत्री अगर देश की मीडिया के सामने आए तो मणिपुर के लिए कैसे हिंसा को शांत किया जा सके, कैसे अपराधियों को सजा दिलाई जा सके, इसके बारे में कोई स्ट्रेटजी प्लान नहीं है। बस दर्द पीड़ा और राजनीति करके देश के प्रधानमंत्री ने मणिपुर पर अपनी सियासत को चमकाया, पर विदेशी मीडिया ने खुल करके धज्जियां उड़ाई हैं देश के प्रधानमंत्री की, जहां आप ये कह सकते हैं कि साहब का टंका नहीं लंका लगा दिया।